अलवर जिले में आज अस्पताल में कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए आज ड्राई रन किया गया। वहीं अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और CMHO ओपी मीना की मौजूदगी में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में आज सबसे पहले कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। आपको बता दें, सबसे पहले चिकित्सा और आवश्यक सेवा से जुड़े कार्मिक को ही टीका लगाया गया है। इसके लिए अलवर में 3 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे। अलवर जिला अस्पताल के पेंशनर्स कॉटेज वार्ड को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित कर ड्राई रन किया गया। ड्राई रन के लिए 75 हेल्थ वर्कर्स भी चिन्हित किए गए थे, जिनको कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर बुलाया गया और कोविड 19 वैक्सीन का डमी ड्राई रन किया गया है। वहीं इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि अलवर जिले में आज कोरोना फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया है, जिसके लिए पूर्व में अच्छी तैयारियां की गई हैं। वहीं इस दौरान CMHO डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने भी बताया कि आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन सफल रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाता है और बाद में टीकाकरण किया जाता है। इनके टीका लगाने के बाद अलग से कमरा बनाया जाता है, जहां उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखकर निगरानी की जा रही है। आज पूर्व UIT चेयरमैन देवी सिंह शेखावत का बानसूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विजयपुरा, जोधपुरा, कोलाहेड़ा, अजबपुरा, कानपुरा, मुंडावरा, बामनवास, कांकड़, शामोता, गढ़ी खरकड़ी सहित बानसूर विधानसभा क्षेत्र के राजस्व गांव एवं पंचायत मुख्यालय के ग्रामीणों के साथ जनसंपर्क कर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा वार्ता की। शेखावत की प्रमुख मांगें थी कि ADM कार्यालय भिवाड़ी नगर के अलवर किया जाए, ASP कार्यालय भिवाड़ी नगर के अलवर किया जाए, नारायणपुर से कुशलगढ़ तक का पेचवर्क ना करवाकर नया सड़क मार्ग बनवाया जाए। वह इसके साथ साथ किसानों की भी समस्या बिजली रात के स्थान पर दिन में आए, इन सभी समस्याओं को प्रमुख रूप से विचार में लाते हुए आह्वान किया कि यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो विधानसभा क्षेत्र के जन समर्थन में आंदोलन करेंगे। शेखावत का कहना है कि बानसूर के हक की लड़ाई मेरे अपनों की लड़ाई है और मैं हर समय बानसूर की जनता के हित और उनके विकास के लिए साथ दूंगा। वहीं इस दौरान मौके पर पूर्व UIT चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, अशोक शेखावत, सचिव सैनी, लाभ सिंह, छित्तर सैनी सहित बड़ी संख्या ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर में DSP के 3 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद आज शुक्रवार को SP तेजस्विनी गौतम ने क्राइम मीटिंग बुलाई। इसमें पुलिस अफसरों की क्लास लेते हुए गौतम ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार हमें तनख्वाह देती है, उसी में संतुष्ट रहकर हम काम करें, किसी के लालच में नहीं आए। उन्होंने यह भी कहा कि हम लीगल काम करने के लिए ही हैं, कोई भी लालच देने की कोशिश करे तो उसमें फंसे नहीं, किसी पुलिसकर्मी की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी भी पुलिसकर्मी की शिकायत कंट्रोल रूम पर भी की जा सकती है। इस बैठक में पुलिस के SP, DSP व थानाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, वहीं इस दौरान SP ने क्राइम मीटिंग में यह भी निर्देश दिया कि जयपुर मुख्यालय की प्राथमिकताओं पर ध्यान देकर काम करना है। अलवर में ऑर्गेनाइज क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम व साइबर क्राइम को रोकने के लिए अधिक सक्रिय होकर काम करने की जरूरत है। पुलिस लाइन की साफ सफाई और कर्मचारियों को पौष्टिक खाने को लेकर भी विशेष निर्देश इस बैठक में दिए गए। देखिए, नया साल शुरू हुआ है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से नई प्राथमिकताएं हैं, पारदर्शिता की, इंटेग्रिटी की, सब लोग अपने अपने काम को सही ढंग से करें। अपने जो मुख्यालय की तरफ से जो प्राथमिकताएं हैं, उनके अलावा साइबर ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइज क्राइम, महिलाएं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की त्वरित अनुसंधान और ट्रैफिक व्यवस्था, इन सब के ऊपर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी आने वाली 26 जनवरी को देखते हुए होटल ढाबों की चेकिंग
और जो भी संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग है उसके भी निर्देश दिए गए हैं। आज रामगढ़ के उपखंड अधिकारी कैलाश शर्मा एवं मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीणा द्वारा शुक्रवार को निरीक्षण किया गया। उपखंड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट द्वारा थाना रामगढ़ के सामने बन रही सड़क एवं ग्राम पंचायत में स्थित ई मित्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट द्वारा सड़क निर्माण में काम आ रही सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। वहीं ग्राम पंचायत में स्थित ई मित्र में ई मित्र संचालक द्वारा सूची को बाहर लगाने के लिए निर्देश भी दिए गए। वहीं इस दौरान SDM कैलाश शर्मा द्वारा बताया गया कि हाईवे निर्माण कंपनी के इंजीनियर अभी 2 घंटे में आकर निरीक्षण कर गंदे पानी की निकासी व्यवस्था करने के इंतजाम करेंगे। अलवर के टपुकड़ा थाना पुलिस ने शाम को नाकाबंदी के दौरान एक कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ ले जाते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त कर दिया है। इस मामले में नारकोटिस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज की जांच की जाएगी। पुलिस के अनुसार एक कार में सवार 2 युवक रहीश खान जिसकी उम्र 40 व तेजपाल यादव जिसकी उम्र 35 को शाम को नाकाबंदी के दौरान गैलपुर के पास रोककर वाहन की तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान युवकों के पास डोडा पोस्ट मिला। वहीं इस दौरान भिवाड़ी SP राममूर्ति जोशी के अनुसार मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े दोनों युवकों को टपुकड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार युवक रहीश पुत्र करीम खान तिजारा थाना क्षेत्र के गाँव चावड़ी कला निवासी तेजपाल यादव सिड़ीकुवी थाने जिंदौली का निवासी है। इन युवकों ने कार में प्लास्टिक कट्टे में डोडा पोस्ट छिपा रखा था। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। Oh, yeah.